हेलो पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, चेक कर। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज जब मैंने आप लोगों को 0.19.0 के अपडेट्स दिखाए थे, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि क्लासिक मैप के अंदर यहाँ पे हमारा अनलैंक क्लासिक आने वाला है। तो वैसे तो पहले मैंने आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया ही था, लेकिन उस टाइम इसके अंदर मिशन नहीं दिए गए थे। लेकिन अब जब ग्लोबल वर्जन के अंदर अनलैंक क्लासिक आ चुका है, तो इसके अंदर आप लोग राइट साइड में देखोगे तो वार्म अप मिशन गए हैं। तो गाइज इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, सब कुछ आप लोगों को मैं यहाँ पे डिटेल पे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे टोटल 5 मैप है, तो इसमें से कोई सा भी एक मैप आप लोग सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली ही गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा, और गेम स्टार्ट करने के बाद आप लोगों का कोई सा भी मैप खेलने के लिए आ सकता है। अब यहाँ पे आप लोगों को मिशन कैसे कम्प्लीट करना है वो देखिए। तो यहाँ पे मिशन के अंदर हम लोग चलते हैं। अब गाइज यहाँ पे होगा क्या कि अभी सीज़न 13 के अंदर आप लोग जिस टायर पे हो, उसमें आप लोग सीज़न 14 में जिस टायर पे गिरोगे, जैसे कि अभी मैं प्लेटिनम 2 में हूँ, ठीक है? मेरी इस आईडी में प्लेटिनम 2 में हूँ। वैसे तो दूसरे उसमें कॉन्करर पहुँच गई हूँ, आप सबको पता ही है, लेकिन ये जो मेरी 1 मिनट मोनिका आईडी है, उसमें अभी मैं प्लेटिनम 2 पे हूँ। तो जब मैं सीज़न 14 में आऊँगी तो मेरा गोल्ड 1 टायर आएगा, ठीक है? मैं प्लेटिनम 2 से गिर के गोल्ड 1 में आऊँगी। तो यहाँ पर आप लोगों को सीज़न 14 का टायर दिखा रहे होंगे, हाइएस्ट टायर। सबसे हाईएस्ट टायर आपका कौन सा होगा, किस में आप लोग गिरोगे वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे अभी मेरा गोल्ड 1 दिखा रहे हैं, ठीक है? तो गाइज अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि टोटल आप लोगों को यहाँ पे 5 मिशन दिए गए हैं, और 5 मिशन आप लोग कंप्लीट करोगे तो इसके आप लोगों को पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट मिशन के 5 पॉइंट है, सेकेंड के 5 है, उसके बाद 10 पॉइंट है। तो ऐसे करके सारे मिशन कंप्लीट करने पे आप लोगों को पॉइंट मिलेंगे, जो पॉइंट आपके यहाँ पे ऐड होंगे। ये जो मेरा अभी 10 पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पे आपके सारे पॉइंट ऐड होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे पॉइंट ऐड होने के बाद इसका यूज़ क्या है वो आप लोग अच्छे से सुनिए। तो एक बार तो आप लोग इसके अंदर खेलोगे, आपके सारे मिशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो पॉइंट आपको मिलेंगे वो पॉइंट आपके ऐड होगी सीज़न 14 के अंदर, ठीक है? सीज़न 14 आप लोगों की जैसे ही हमारी स्टार्ट हो जाएगी, तो सीज़न 14 के अंदर यहाँ पे जितने भी पॉइंट आप लोगों ने अर्न किए होंगे वो पॉइंट ऐड हो जाएंगे, और फिर वहाँ से आप लोगों का खेलना स्टार्ट होगा। जैसे कि अभी मैं गोल्ड 1 के अंदर हूँ, यहाँ पे मेरे सारे मिशन कंप्लीट होते हैं और यहाँ पे मेरे पॉइंट 100 भी हो जाते हैं, तो मैं प्लेटिनम 5 में आ जाऊँगी। तो जब सीज़न 14 आएगी तब मेरी गेम प्लेटिनम 5 से स्टार्ट होगी, ठीक है? आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आपको सिर्फ खेलना है और मिशन कंप्लीट करने हैं। मिशन कंप्लीट करने से आपके जो पॉइंट होंगे वो आपके नेक्स्ट सीजन में ऐड हो जाएंगे। तो चले गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, थोड़ा भी हेल्पफुल हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।